अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं। आज 11वीं शरीफ थी और उसका फातिहा हुआ, आज जुमा भी है। हम निकले हैं बाहर बेसिन देखने, तो ये देखिए बेसिन का पूरा कलेक्शन। ये जो दुकान है उनसे पहले ही बात हो गया था तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर देखने आ गई। सो ये रहा सारा कलेक्शन, टेबल टॉप से लेके पेडेस्टल तक हर चीज़ है। चिमनी भी रखा हुआ है, मुझे वैसे चिमनी तो अभी चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ चिमनी, क्योंकि कभी ना कभी तो चाहिए ना, क्योंकि ऊपर जब बनाएंगे मॉड्यूलर किचन तो उसमें तो चाहिए। अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि बेसिन कौन सा लूँ, तो मैंने वीडियो कॉल करके पूछा भी अबू से और दिखाया बताया, फ़ोटोज़ क्लिक किए, अंदर का बाहर का सब कुछ नाप के दिखा दिया। मैं दो मॉडल्स में कंफ्यूज हूँ। और ये वॉल देखिए कितना प्रिटी है, वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ किचन। ट्रेंडी है ना ये, सो माइंड में आ गया, हो गया। मैंने एक बेसिन चूज़ कर लिया और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। ये मैं आपको नाइट व्यू दिखा रही हूँ, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पर, इतनी ज़्यादा तो मैं क्या बताऊँ आपको। ये देखिए यहाँ, ये अभी से लाइटिंग्स लग चुकी हैं, बहुत ही प्यारी दिख रही हैं। और ये स्ट्रीट, मुझे ऐसे स्ट्रीट्स ना बहुत पसंद है इंडिया में ना, स्ट्रीट्स मुझे इतने प्यारे लगते हैं कि आई लव स्ट्रीट्स। ये कॉस्मोस मॉल, अब हम घर जा रहे हैं। ये गुड मॉर्निंग सिलीगुड़ी, ये ऊपर का व्यू है, छत से मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा व्यू। वो जो है वो इस्कॉन मंदिर है और ये सारा व्यू देखिए, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है। आज मैं वापस जा रही हूँ घर नेपाल, सो अभी मैंने सोचा कि मैं ऊपर छत का भी देख लूँ व्यू कैसा है। तो अभी मैं, महनूर और मुस्कान पप्पू आए हैं, ये देखिए पूरा व्यू, वाओ। एंड हियर आई एम इन वेगा मॉल, सिलीगुड़ी का वेगा सर्कल, ये रहा, बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा। ये अभी बाहर का व्यू है, अब पूरा महल जैसा दिख रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने अब तक जितने भी मॉल्स में मैं गई हूँ वहाँ का सबसे अच्छा मॉल लगा है। और ये ऑटोमेटिक गेट बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हुआ था शायद, तो वो सेलिब्रेशन का अभी तक लगा हुआ है मूर्ति। और ऊपर का जो वो है, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए दुकानें, ये साफ़ सफाई बहुत है। ये ऊपर, ये रहा, ये जो है ना ऊपर का, ये वाला बहुत ही अच्छा लग रहा है। ख़रीदना तो कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा ऐसे ही घूम लेते हैं। तभी मैं ऊपर जा रही हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे आ गई और अब ये भी घूमूंगी, उसके बाद और ऊपर जाऊंगी और उसके बाद आ जाऊंगी वापस, क्योंकि बेसिन वाले दुकान पे जहाँ से मुझे लेना है वहाँ पे बहुत भीड़ है। इस वजह से मैंने सोचा पास में ही है वेगा सर्कल, तो मैं यहाँ पे आ गई कि उन्होंने कहा 15 मिनट बैठ, उससे अच्छा मैंने सोचा कि वेगा सर्कल घूम के आ जाती हूँ। और ये देखिए, ये सिर्फ ऊपर का जो सेट है ना, ऊपर का जो भी है टॉप, उसका ही सिर्फ 500-599, उतने महंगे कपड़े हमने पहनते भाई। और ये देखिए ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा है, ये एकदम सामने सामने है ना झूमर, ये रहा, वाह वाह वाह। जिसने भी सजाया होगा, काफ़ी सोच के सजाया होगा, ये रहा मेट्रो। ऊपर भी जाऊंगी मैं। हो गया, मैंने बेसिन ले लिया और ये दुकान वाले भैया का ही ये गाड़ी जा रहा है सेवक रोड, तो मैं इसी में जा रहा हूँ। यहीं पे तो बस रुका था कहीं पे, यहीं कहीं पे बस रुका था। और ये हम पहुँच गए, ये भैया इंतज़ार कर रहे हैं हम लोगों का रास्ता दिखाने के लिए।
और ये मैंने सारा सामान ले लिया है, रिक्शे में बैठ के अब बस बस का इंतज़ार है। वैसे काफ़ी सारे बसें आ रहे हैं, लेकिन भैया बोल रहे हैं एक बस में भेजूंगा, मतलब सेफ़ भी रहेगा अकेले जाना है तो, और उसमें सामान भी अच्छे से चला जाएगा। यहीं पे इतना अंधेरा हो गया और बहुत ही प्यारा लग रहा है पूरा। ये सेवक रोड मार्केट है, ये सेवक मोड़ मार्केट। मैं बस में बैठ गई हूँ और अभी जा रहे हैं घर। सबसे बस वाले पैसेंजर्स, ये हाथी बना हुआ है यहाँ पे। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आपको, एक बड़ा है, एक उससे छोटा और एक उससे भी छोटा। ये महानंदा नदी है, महानंदा ब्रिज, जहाँ पे महानंदा नदी बहती है थोड़ी दूर में, और ये पुल के नीचे सारे लोग बैठते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं। ये दार्जिलिंग मोड़ बहुत ही अच्छा लगता है मुझे सिलीगुड़ी। ये आसमान, अंधेरा हो गया है, और ये मैं नक्सलबाड़ी में रुकी हूँ। लो सना बाबू, ओए उठ जा उठ जा उठ जा, आपी सना बेबू बेबू उठ जा उठ जा उठ जा, दुल्लू ओ अरे आपी सना आपी बेबू आपी उठ जाओ आपी। देखो देखो तुम्हारा जेसीबी आ गया, बंदूक आ गया सना बंदूक आ गया, उठो। मेरे आने से थोड़ी देर पहले ही सोई है, 5 बज रहे हैं और आके मुझे जगा रही है ऐसे कि मतलब आप ही सुनिए। आओ ना ला दी हूँ मैं बंदूक और थैंक यू आपकी, थैंक यू आपकी कौन। और ये क्या है? जलेबी नहीं, जेसीबी। खाई थैंक यू बोलेगा। थैंक यू कौन बोलेगा? इसको मेरे आने से कोई वो नहीं है, सिर्फ गाड़ी। ये ना मैं जाऊँ, फिर से जाऊँ सिलीगुड़ी जाऊँ। कैसे खुलेगा ये? जाने दो, गिरने दो, आपकी आएगी तो मारेंगे ना, इसको मारा जाए। ओले पोपरे मारा जाए इसको, पीछे इसको बचाओ मुझे कोई, बचाओ। आपकी को मारा जाए आपकी को। मैं उस दिन बात हुआ था ना कि आपकी आएगी तो उसको मारना है। अरे अरे सना, अरे चलो हटो, गद्दारी मारते हैं। बचाओ, जल्दी बोलो क्यों? उठो जल्दी, फिर भी मारेंगे, मार रहे हैं, बचाओ मुझे। उधर जा। हाँ आ गई मैं इधर, बचाओ। अरे अरे मुझे तो बचाओ। अरे बाप रे इसको मारता हूँ, मार लो इसको, मार दिया। अरे बाप रे, पकड़ के डिशूम कर रही है। ये मैं नेपाल जाने से पहले गई थी ऊपर आंटी के यहाँ, तो ये मैंने खाया। और ये देखिए एक्वेरियम बना हुआ है, कितना प्यारा एक्वेरियम बना हुआ है आंटी के घर में।
और यहाँ पे जो ऑक्सीजन जाने वाला है ना वो आंटी और अलहान ने मिलके बनाया है यूट्यूब में देख के, बहुत ही अच्छा एक्वेरियम है। मेरा भी बहुत मन है एक एक्वेरियम रखने का। और एक बात बताती हूँ आपको, ये जो बड़ी वाली मछली है ना, ये हाँ दो आँखों वाली, ये वाली 6 साल की हो गई है। ये बहुत ही छोटी थी तब इसे आंटी लेके आई थी। और ये बाकी कलरफुल मछलियाँ, नीचे स्टोन्स रखे हुए हैं कलरफुल, तो बस ये रहा। और एक छोटा सा जार उधर भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।